वंस अगेन वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू एमएनएस। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 12th के चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स की जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है 4.6 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। वहां पर हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जो हमारी इक्वेशंस होंगी लीनियर इक्वेशंस, उनको हम विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट किस तरीके से सॉल्व करेंगे। और एवरी ईयर बोर्ड एग्जाम में आपका इसमें ऐसे एक लॉन्ग क्वेश्चन एवरी ईयर आपका आता है। ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन इज 2x plus y plus z equals to 1 and x minus 2y minus z equals to 3/2 and 3y minus 5z equals to 9। यहाँ पर x का कोई भी कोफिशियंट नहीं दिया हुआ है, तो आप x into 0 लिख लोगे। सबसे पहला वर्क होगा write given equation in form of matrix। पहला आपने लिख लिया इसके कोफिशिएंट लिखो एक्स वाई जेड, वो है आपका 2 1 1, जो इसके कोफिशिएंट है एक्स वाई जेड के 2 1 1। दूसरी के हैं 1 -2 and -1। थर्ड का है 0 और y का आपका 3 है और z का आपका -5। ओके स्टूडेंट्स, टू में आएगा ये इक्वेशन किस में है, x, y और z में है। इक्वल में जो कांस्टेंट टर्म है उनको आप नोट डाउन करोगे 1, 3/2 and 9। ये हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लिया। पहले हमने इनके कोफिशिएंट लिखे, फिर x, y, z और इक्वल में कांस्टेंट टर्म, विच इज इन फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में मैंने लिखा है, ax = b। ये ax = b है। यहां से मुझे जो मिलेगा x = a inverse b मिलेगा, x = a inverse b मिल जाएगा। ओके, दैट इट इज फर्स्ट। अब यहां पर a क्या है, a को आप नोट डाउन करो, a है आपके पास 2 1 1 और 1 -2 -1 0 3 and -5, ये आपका a है। एंड x इज xyz एंड y इज b इज 1, 3/2 and 9। दीज आर द मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है आपका 3/3 और इसका ऑर्डर है 3 रो है आपकी, 1 कॉलम है 3/1 और ये आपका इसमें भी 3 रो है और 1 कॉलम है। ओके, सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा किसका, a का। तो हम डिटरमिनेंट का साइन लगा लेते हैं और एलिमेंट्स को लिख लेते हैं एंड 0, 3, -5। किसी भी एक रो या कॉलम के टर्म में आप एक्सपेंड करोगे, तो 2 लिख लिया मैंने, फर्स्ट रो के टर्म में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 2 के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपको लीव आउट करना है। तो डायरेक्टली भी कर सकते हैं, -2 की -5 से करेंगे तो 10 आएगा, बीच में माइनस रहता है, 3 बन जाए 3, ये भी माइनस का है तो प्लस हो जाएगा आपका। फिर -1 साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, अब -1 के लिए आप फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को आप रिमूव करोगे, तो 1 की -5 से करोगे -5 और 0 की आप 1 से करोगे तो आपका 0 हो जाएगा। नेक्स्ट थर्ड है आपका 1 एलिमेंट, फर्स्ट रो के टर्म में एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो 3 बन जाए 3 एंड -0। यहाँ मैंने डायरेक्टली लिखा, मैंने यहाँ पर उन एलिमेंट्स को नहीं लिखा कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप लीव आउट कर रहे हो, क्योंकि ये सारा वर्क जो है आपको इतना फास्ट फॉरवर्ड करना होगा कि आपको अपने माइंड में करना होगा ये सारी कैलकुलेशन। जैसे मैंने ये लिखा है तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आपने छोड़ दिया, आप अपने माइंड में डायरेक्टली इनकी कैलकुलेशन करके यहाँ पे लिखोगे। ऐसे ही ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो इन दोनों को आपने लीव आउट कर दिया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने लिख दी, इसके लिए आपने इसको और इसको छोड़ दिया, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके आपने लिख दी। इस तरीके से आपको अपनी प्रैक्टिस इतनी फास्ट फॉरवर्ड करनी होगी कि आप लिख सकें। तो 10 और 3 13 13 2 26, -(-) +5 हो जाएगा आपका, और ये 3 बन जा 3 आया, तो फाइनली आ गया आपका ये 26 और 5 31 और 3 34, विच इज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट आपका 0 नहीं आया, दैट मीन्स जो इनवर्स है आपका वो एग्जिस्ट करता है। अगर किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इनवर्स इसका एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि डिटरमिनेंट इसका 0 नहीं है। डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो आप कहोगे डिटरमिनेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। सेकेंड थिंग, वो ये पूछे अगर इक्वेशन की सिस्टम और सॉल्यूशन है वो कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है, ये चेक करने को आ जाए, तो आपको इतना वर्क तो करना ही पड़ेगा कंसिस्टेंसी में,
और यहाँ तक करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर डिटरमिनेंट आपका जीरो नहीं आता है तो आप कहोगे इक्वेशन का जो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है, और अगर जीरो आ जाता है तो आप कहोगे वो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस क्या है, इनवर्स के लिए पहले बता चुका हूँ, पहले एडजेंट निकालना होगा। अब मैट्रिक्स हमारे पास आ चुका है, इससे हमने मैट्रिक्स बना ली, हम पहले इसके कोफैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे। हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं इसके कोफैक्टर्स। मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 1 1 1 -2 -1 0 3 -1 -5। तो फर्स्ट आपका कोफैक्टर आता है a11 इक्वल टू -1 raised to power 1 + 1। 1 1 मीन्स मैं पहले बता चुका हूँ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को आप लीव आउट कर दो, ये फर्स्ट कॉलम है आपका, ये फर्स्ट रो है, दोनों को छोड़ने पर जो आपको बचा वो क्या बचा, -2 -1 3 -5, ये मैंने नोट डाउन कर लिया। सिमिलरली आप अदर को आप लिख सकते हो a12, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को आप लीव आउट करोगे तो फर्स्ट रो आपकी सेकंड रो कॉलम को छोड़ दोगे तो 1 -1 0 -5 ये आ गया। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को छोड़ोगे तो 1 -2 0 3 आपको ये मिलेगा। इसी तरीके से हमने और सारे कोफैक्टर्स लिख लिए। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये तो आएगा आपका प्लस, और अंदर सॉल्व करने पर मिलेगा -2 -5 10। माइनस बीच में रहता है लेकिन माइनस यहाँ भी है तो +3 हो जाएगा। फाइनली आपका ये 13 आ गया। यहाँ से -1 की पावर एक निगेटिव आएगा, -5 -0 ये आपका हो गया 5, एंड -1 की पावर 1 + 3 ये आपका प्लस, तो ये हो गया 3 - 0 दैट इज 3। अब -1 की पावर 2 + 1 है तो ये माइनस का आएगा, और यहाँ पर -5 - 3 तो ये माइनस का 8 मिलेगा लेकिन इसकी वजह से प्लस का 8 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट -1 की पावर 2 + 2 + -5 - 5 की 2 जगह हो गए -10 - 0, फाइनली आपके पास -10। एंड लास्ट यहाँ 2 + 3 आपका माइनस का साइन रहेगा इस तरीके से, तो माइनस आ गया, और यहाँ से आएगा 3 2 6 - 0, फाइनली आपके पास -6। नाउ 3 1 आपका आएगा -1 की पावर 4 + का मिलेगा, और अंदर सॉल्व करने पर -1 + 2, तो 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस का साइन, और अंदर आएगा -2 - 1 - 3 दैट इज +3, यहाँ पर आपका प्लस का साइन, और अंदर आएगा -4 - 1 ये हो गया -5। ओके, नाउ लेट मैट्रिक्स फॉर्म बाई कोफैक्टर्स, कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स को लेट कर लेते हैं, वो सी है। वो मैट्रिक्स हमारी क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 32 33, सभी के एलिमेंट्स यहाँ पे रख दो। तो सभी के एलिमेंट रखने पर आपको क्या मिलेगा, a11 a12 a13 के एलिमेंट रखना शुरू करो, 13 5 and 3 13 5 and 3, ये आपके 3 एलिमेंट हो गए। अब 2 1 2 2 2 3 के एलिमेंट, 8 - 10 - 6 8 - 10 - 6 एंड 3 1 1 3 and -5, इट इज द मैट्रिक्स फॉर्म बाय कोफैक्टर। नाउ टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए आपको बताया गया था, जो भी मैट्रिक्स आती है उसका आपको ट्रांसपोज करना होगा, तो इसका ट्रांसपोज कर देते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं, 13 5 3 8 - 10 - 6 1 3 and -5, इट इज द एडजॉइंट ए। ओके, हमने एडजॉइंट ए फाइंड आउट कर लिया है। नाउ ए इनवर्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपके पास जो इक्वेशन फर्स्ट थी वो क्या थी, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स बी, यही था, वेयर एक्स इज एक्स वाई एंड जेड। ओके, एंड ए इनवर्स इज 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी, तो 1 upon डिटरमिनेंट ऑफ ए हम फाइंड आउट कर चुके हैं, 34 आया था आपका, और एडजॉइंट ऑफ ए हमने अभी भी फाइंड आउट किया है, 13 8 1 5 - 10 and 3, लास्ट इज 3 - 6 - 5। What is the b? b is 1 3/2 and 9, इस फॉर्म में ये आ गया आपका।
अब यहाँ पर ये वाली जो मैट्रिक्स है वो 3x3 ऑर्डर की है, ये वाली मैट्रिक्स 3x1 ऑर्डर की है, दैट मीन्स इनकी मल्टीप्लाई हो सकती है क्योंकि इसका कॉलम और इसका रो कैसा है, सेम है, ये प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन की। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 3x1 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स मिलेगी। ओके, तो एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/34। तो मल्टीप्लाई करते हैं पहले फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, ये आपकी फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करो। तो 13x1 प्लस 8x3y2 प्लस 1x9। सिमिलरली सेकेंड रो की मल्टीप्लाई करो आप, क्योंकि आगे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 5 की करते हैं पहले, 5x1 माइनस 10x3y2 प्लस 3x9। सिमिलरली थर्ड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो 3x1 माइनस 6x3y2 एंड माइनस 5x9। ओके, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/34 आपके पास रह गया 13 प्लस 2 से 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम, तो 4 3 12 प्लस 9। सेकेंड रो में आपके आ रहा है 5 बन जा 5 और 2 से 10 कैंसिल हो सकता है 5 टाइम, तो 5 3 15 और प्लस में आएगा 9 3 27। यहाँ पर भी 2 से 3 कैंसिल हो सकता है, 3 बन जा 3 माइनस 3 3 9 माइनस 5 9 45। अब जो ऐड हो सकते हैं उनको ऐड कर लीजिए, जो सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 3 और 2 5 5 और 9 14 कैरी 1 1 1 2 और 1 3। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर 5 माइनस 15 माइनस का 10 और प्लस का 27, तो 17। एंड यहाँ पर 3 माइनस 9 माइनस 6 माइनस 6 और 45 आपका आएगा, 3 में से 9 जाएंगे तो माइनस के 6 बचेंगे और 45 और 6 हो जाएंगे 51 माइनस का 51। ओके, आपके पास आ गया एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 1/34, यहाँ पर 34, यहाँ पर 17 और यहाँ पर माइनस का 51। अब डिवाइड बाई 34, तो 34 को आप 34 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 17 को 34 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 51 को आप 34 से डिवाइड करोगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा 1 और यहाँ पर 1/2 और यहाँ से कट सकता है 17 से, 17 3 जा 51 और 17 2 जा 34। ओके, ऑन रिपीटिंग बोथ साइड यू गेट एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू 1/2 एंड जेड इक्वल टू -3/2। दीज आर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द वेरिएबल्स एक्स वाई एंड जेड। अब इतना सारा प्रोसेस किया, इतना लॉन्ग क्वेश्चन करने के बाद आपको ये पता चले कि आपका एक आंसर गलत आया है तो आपका ये सारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक भी है, आप इसे चेक कर सकते हो कि हमारा आंसर राइट है और रॉन्ग है। ये वैल्यूज आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप देख सकते हो, अगर आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आपका आंसर सही है। जैसे आपके पास आ रहा है 2x + y + z। ओके, तो आपका x आपके पास आया है 1 और y आपके पास आया है 1/2 और z आया है 3/2। सॉल्व करते हैं 2 + 1/2 - 3/2 टेकिंग एलसीएम 2 2 2 = 4 +1 - 3। ओके, तो आपके पास आ गया 5 - 3/2 2/2 1। और क्लियरली आपके पास राइट साइड में 1 भी है, इसका मतलब दैट मीन्स योर आंसर इज करेक्ट। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में आपने देखा कि 3x3 का एक्स वाई जेड में जो इक्वेशंस होती हैं हमारी सिस्टम ऑफ इक्वेशन, उनके हम सॉल्यूशन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं वो हम इस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। और हर साल आपका एक क्वेश्चन इसका आता है, 6 मार्क या 5 मार्क लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है। तो यहाँ पर आपको सबसे बड़ी बात क्या है, जो प्रैक्टिस है माइनर ओको फैक्टर की वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड होनी चाहिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस फास्ट फॉरवर्ड होगी उतनी ही जल्दी आप कर पाओगे, पर इतनी भी जल्दबाजी नहीं करनी है उसमें कैलकुलेशन में आपकी मिस्टेक हो जाएगी, एक जरा सी कैलकुलेशन से सारा क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।